आज जहां राज्य भर में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की ओर से विक्रमजीत मजीठिया पर दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए रोष धरना प्रदर्शन किए गए, वहीं फरीदकोट में भी मिनी सचिवालय में एसएसपी दफ्तर के बाहर कोटकपूरा के पूर्व विधायक मंतार सिंह बराड़ के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की ओर से रोष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नेताओं और वर्करों की ओर से शमूलियत की गई। इस मौके पर मंतार सिंह बराड़, शिरोमणि अकाली दल यूथ के राष्ट्रीय प्रधान परम बंस सिंह बंटी रोमाना, बीबी गुरविंदर कौर भोलूवाला, सतीश कुमार ग्रोवर सहित कई नेताओं ने चन्नी सरकार पर बदले की भावना से की जा रही राजनीति को लेकर तीखे हमले किए। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। एसएसपी दफ्तर दे सामने और मैं इतने कहना चाहना साहब ने सौ खाधी सी चार हफ्ते में नशा बंद कर ना तो कैप्टन साहब तो नशा बंद हो सरकार हर फ्रंट से फेल हुई है। जिहड़े लोगों नाल वादे किए थे उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं कर सके। अज सिद्धे सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जाता है, लोग घेर के उन्होंने बोलन नहीं देंगे, स्टेजा से चढ़न नहीं देंगे, रैलियां उन्होंने होंगे। सारिया गलों तो लोगों का ध्यान भटकाने वास्ते सियासी बदलाखोरी तहत पोलीटिकल वंडेटा के तहत आपके पोलीटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करके झूठे परचे किए जाते हैं।